वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर इस पर दर्शन के लिए शुल्क लगाने की खबरें आते ही भी बात खड़ा हो गया है। हालांकि यह केवल अफवाहें निकली, इस अफवाह को सच मानते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन के लिए शुल्क की बात उठाने भी धार्मिक आस्थाओं पर गहरी चोट है। काशी निवासी और विश्व भर के बाबा विश्वनाथ के भक्त इस समाचार से बेहद आहत है। धर्म के व्यवसायीकरण करने वाले धन पिपासु भाजपा सरकार कल को गंगा जी के स्पर्श का भी शुल्क लगा सकती है। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट के साथ एक खबर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। बता दें कि खबरें आई थी काशी विश्वनाथ मंदिर ने भगवान शिव स्पर्श दर्शन के लिए श्रद्धालुओं से 500 से 1000 रुपये तक की फीस लेने का प्रस्ताव रखा था। बता दें कि सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे विभिन्न माध्यमों से बाबा के स्पर्श दर्शन को लेकर खबरें वायरल हुई। इसमें तक स्पर्श दर्शन के लिए 500 रुपये शुल्क निर्धारित कर व्यवस्था शुरू करने की बात कही गई थी। इसके बाद मंडल आयुक्त कौशलराज शर्मा ने इसका खंडन किया। इससे पहले काशी विश्वनाथ का स्पर्श दर्शन करने के लिए शुल्क का अखिल भारतीय संत समिति राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद ने भी मुखर विरोध किया। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि बाबा के स्पर्श दर्शन पर शुल्क लगाने की बात सोचना भी महापाप है। उन्होंने कहा कि 1808 में अंग्रेजों हुकूमतों ने अमीर गरीब के बीच भगवान को बांटा था। अब हिंदुस्तान सरकारों के कार्यालय में विश्वनाथ मंदिर में भी उसी व्यवस्था को दोहराया जा रहा है। यह पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। उल्लेखनीय है कि गत 22 फरवरी को मंदिर न्यास की बैठक में बाबा के स्पर्श दर्शन के लिए शुल्क लगाने पर सहमति बनी थी।